के साहब सरपंचा परमाराम जी, अमर जी, मैं हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूँ कि पिछले चुनाव के अंदर भी आपने जोरदार वोटों से आगे निकला और इस बार आपका जोश और उत्साह देखकर लग रहा है कि मकराना नागौर जिले के अंदर सबसे बड़ी लीड देगा। भाइयों, आपको इस सत्ता का सुख छोड़ के पूरी जवानी किसान काम के लिए समर्पित करके अपने छोटे भाइयों के लिए संघर्ष करते करते एक व्यक्ति पार्टी बना के आगे बढ़ा और हमेशा किसान कौम के खातर जान हाथी में लेकर घूमता रहा। ये चुनाव के अंदर मुझी कुछ ताकते हैं, ये चुनाव ज्योति बेटा नहीं लड़े तो टूर है, ये लड़ा है मोदी अमित शाह चुनाव। किसी भी कीमत में नागौर के अंदर आरएलपी कांग्रेस अलायंस को जीतते नहीं देना चाहते और आप भी जीती हो, आप किसी भी कीमत में हनुमान बेनीवाल को भेजना चाहते हो। जो मुकाबला है पहले 5 साल उसका कार्यकाल देखा, मेरा भी देखा, हमेशा गरीब शोषित पीड़ित सड़कों पर संघर्ष, विधानसभा का संघर्ष, कॉलेज यूनिवर्सिटी के जमाने से लोकसभा के अंदर पहलवान बेटियों का मामला हो, हमेशा मुझे संघर्ष करते हुए देखा। नागौर के अंदर नए विकास गणतंत्र देंगे, राकेश साहब यहां से विधायक है, मुझे सुन के अगर आप भेजते हो तो हमारी दोनों डबल इंजन दोनों भाई दिल्ली और जयपुर के अंदर खूब विकास करेंगे। परमाराम जी को आश्वस्त करते हैं कोई सरकार किसी को आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं बैठा हूँ राजस्थान के हमारे एक भी सरपंच को परेशान कर सके कान खोल कर सुन रहे बोलो, अगर एक को भी परेशान किया तो मैं खुद को परेशान कर दूंगा तो सरपंचों को परेशान करेगा। मैं इतना ही निवेदन करूंगा, समय बहुत चला गया, आप सब भी चल रहे, मकड़ा की बड़ी सभा है, हाथ जोड़ के निवेदन है, बड़ी हाजिर निकलना, बड़ी हाजिर देना भाई हनुमान जी जाके सब आए थे, लेकिन दोबारा चुनाव के बाद आपको दर्ज कराएंगे। देश का लोकतंत्र खतरे के अंदर है, ज्योति मिर्जा बोली कि 400 पार कर दो संविधान बदल देंगे, संविधान पूछना थोड़ी बड़ा था जो बदल देंगे, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था। भाइयों, आरक्षण खत्म करने की इनकी नियत है, वोट ये बंद करना चाहते हैं और जिस तरह झुंझुनू का क्षेत्र में भाषण दी फिर एक बार शॉट उठा के हनुमान जी को मारूंगा, मुझे वास्तवा देखो गाड़ी उतरे थे वीडियो देखा बाद। तो भाइयों, बतेला मैंने मैं घर भर दिया है ना पैसे और खोल कर देंगे सर, बता भी छोटे ना 25 लाख दिए और अगर करोड़ दो दोनों में सबको साथ लेकर सर्व समाज को आश्वस्त करता हूँ कि जितना प्यार सर्व समाज ने मुझे दिया है यहाँ पर नागौर में चुनाव ना सारी चाहते हैं सौर मोदी हनुमान जी को लोकसभा भेजेंगे, बाइक को साथ रहे, कह रहे भाई बाइक भेजी भेजी फिर ठीक होना भेज भेज आवेदन साथ रहे भाई में दिल्ली और फिर अपने मायरा भरेंगे। डॉक्टर साहब एक मिनट के लिए अपील करेंगे, बोतल का चुनाव चाहिए, बोतल को वोटों से भरना है, मारे वोटा की छुट्टी होगी क्योंकि भैंसिया हमने बार वोट दे रही है, इस बार ये बार कह रहे हैं भैंसिया का वोट फौजी नाग दो और मरुड़ा के नाग दो। तो अब हालत से दिक्कत है, राजा साहब आज के 19 भी लोकसभा के कांग्रेस और आरएसपी के संयुक्त उम्मीदवार नागौर के लाडले हनुमान बेनीवाल साहब, सुसुदिया सरपंच साहब परमाराम जी जो आपके हमेशा ग्राम पंचायत की चिंता करते हैं, विकास को लेकर कामकाज को लेकर चाहे एमपी साहब पास हो या मेयर पास हो या कई हो, हमने आज इस सौर साहब जो आरएलपी के प्रत्याशी रहे और सभी सम्मानित मंच मेरे सामने बैठे खड़े सभी चूसिए के मेरे बुजुर्ग युवा साथियों प्यारे बच्चों, चलो भाई लोग जिस तरह से मकड़ा विधानसभा में 30,000 वोटों से आप लोगों ने मुझे जिताया,
और मकड़ा का इतिहास रख दिया, सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाला आप लोगों ने भाई जाकिर हुसैन कैसा होता है आप लोगों से। इसी तरह पूरे प्रदेश की नजर है कि हनुमान जी बेनीवाल साहब को अगर सबसे ज्यादा लीड मिलेगी तो मकड़ा विधानसभा से मिलेगी। हर कोई का आकलन यही है कि 60,000 वोटों से हनुमान बेनीवाल जीतेगा।